हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं इंडिया को देखूं, उसके बारे में पढ़ा तो बहुत है तो उसको देखूं भी सही। वॉचिंग वर्ल्ड कप इन इंडिया वॉज अ वेरी रेयर प्रिविलेज फॉर मी एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। किसको नहीं पता फिरोज शाह कोटला का, हमने वहाँ पर बेशुमार मैच देखे, बॉलीवुड स्टार्स को देखा, जो बस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो उसमें हम बैठेंगे और यहाँ से हम वाघा बॉर्डर तक जाएंगे और ये बस हमें पाकिस्तानी साइड पर छोड़कर वापस आ जाएंगे। मैं नवंबर 2023 में एक हफ्ते के लिए दिल्ली आया था हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स में शिरकत करने के लिए और हम एक पाकिस्तानी डेलीगेशन वाया रोड फ्रॉम लाहौर वाघा बॉर्डर अटारी और उससे फिर हम दिल्ली की तरफ आए थे। बचपन से हमने दिल्ली के बारे में तो बहुत सुन रखा है, पढ़ रखा है किताबों में, मूवीज़ में, टीवी पर, सब कुछ बातों में, टीचर से भी सुना, लेकिन उधर जाकर जाने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, बहुत स्पेशल था, बहुत, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा भी था। दिल्ली में जामा मस्जिद देखी, लाल किला देखा, कनॉट प्लेस में गया, इंडिया गेट गया, राष्ट्रपति भवन, इसके अलावा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उधर भी मैं गया था, नेशनल म्यूजियम में गया था, नेशनल रेल म्यूजियम में गया था। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर किस्म के लोग वहाँ पर रह रहे थे और इकट्ठे रह रहे थे, तो वो पाकिस्तान में इतनी जो है विजिबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी, 96-97% मुस्लिम है, तो उस तरह से कहीं वो विजिबल नहीं है। तो हर किस्म के लोग जो है ना, वो मेरे लिए उनको इकट्ठे पीसफुली रहते देखना, तो ये इट वॉज़ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ मी एज़ अ पाकिस्तानी। हमारा जो होटल था वो पहाड़गंज में था, एंड ऑल यू नो पहाड़गंज दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, गाड़ियाँ होती हैं। इस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस जो खासकर उस इलाके को लेकर था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। पाकिस्तान इज़ आल्सो वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, बट पाकिस्तान में कोई भी सिटी दिल्ली जैसा नहीं है। वॉचिंग वर्ल्ड कप इन इंडिया वॉज अ वेरी रेयर प्रिविलेज फॉर मी, क्योंकि मैंने जो मैच देखा वर्ल्ड कप का वो फिरोज शाह कोटला में था। एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन किसको नहीं पता फिरोज शाह कोटला का, हमने वहाँ पर बेशुमार मैच देखे, हम बॉलीवुड स्टार्स को देखा, तो वहाँ पे जाकर वर्ल्ड कप का मैच देखना इट वाज अ रियल प्रिविलेज। और साथ ये भी है कि उसके स्टेडियम की जो क्वालिटी थी वो पाकिस्तान के स्टेडियम से बहुत अच्छी थी, वी नीड टू लर्न दैट फ्रॉम इंडिया। इट वॉज वेरी स्पेशल, वेरी इमोशनल और एक बहुत, मैं कहता हूँ, मतलब मेरा सबसे शायद टॉप मोमेंट था मेरे लिए। आप वहाँ से आए हो अब? हाँ, डेरा समैल खान के। हाँ जी, मेरा उधर घर है वहाँ डेरा समैल खान में। हाँ हाँ, तो डेरा समैल खान के सब लोग हमारे दरिया खान में आके रहते थे और मकान किराए पे रहे, कहाँ के किराया, 8 आने किराया महीने का होता था, क्या किराया होता था, 8 आने, 8 आने भी कोई नहीं दे पाता था। तुम याद है कोटला जाम? हाँ 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 बिल्कुल, देखे। हाँ गया कोटला जाम का मेरा ससुराल था और दरिया खान का मेरा मायका। अच्छा, वहाँ सारे चाचे ताऊ मेरे रहते थे। हाँ। अब दरिया खान तो बिछड़ गए। हाँ। सब अलग हो गए। हाँ। लेकिन हमारे, हमें, मुझे तो हर चीज याद है वहाँ की। मेजॉरिटी जो लोग हैं 90%, मैं कहता हूँ आज भी इंडिया और पाकिस्तान के, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते। रियलिटी है वो ये है कि हम एक जैसे लोग हैं और हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जो पॉलिटिकल हमारे जो लीडर्स हैं या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, उन सबको कोई होश आए, उनको हम पर रहम आए कि हम इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके दरमियान जो हमने नफरत की दीवारें खड़ी की हुई हैं इनको गिरा दें। मिलियंस ऑफ इंडियंस वांट टू सी पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज वांट टू सी इंडिया, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ इंडिया, आई वांट टू सी जयपुर, आई वांट टू सी कोलकाता, आई वांट टू सी केरला।